हेलो एवरीवन, दिस इज हरताज फ्रॉम न्यू कॉलेज एकेडमी और मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ रिलेटेड टू प्रेजेंट डे जो न्यूज़ में चल रहा है टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन जो कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है। क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड। और विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। अरे हमको क्या मिलेगा, ये भारत की जरूरत है, इसमें आपत्ति क्या है? ये चलने वाला नहीं है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। तो क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन? एक कमेटी आई अंडर द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिसने बोला कि हाँ हम अग्री करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसकी रिपोर्ट अराउंड मिड मार्च में दी गई प्रेसिडेंट को। अभी सितंबर में, अराउंड मिड सितंबर, द जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को एज अ बिल लेके आएंगे। क्या होता है वन नेशन वन इलेक्शन? जितने भी आपके चुनाव हैं, ऑल इलेक्शंस टू एमपी, एमएलए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, सब इकट्ठे होंगे। व्हाट बेसिकली इट मींस इज ऑल योर इलेक्शंस, चाहे वो एमपी के हों, एमएलए के हों, या फिर आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हों, या फिर पंचों के हों, ऑल द इलेक्शंस विल टेक प्लेस एक ही टाइम पे। दैट इज व्हाट द वन नेशन वन इलेक्शन मींस। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। वेल, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, जो हमारे पहले चार चुनाव हुए, ऑल इलेक्शंस वर हेल्ड अंडर वन नेशन वन इलेक्शन। योर एमपी और एमएलए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सारे इलेक्शन साथ में हुए। 52 जो हमारा फर्स्ट ईयर रहा वोटिंग का, इलेक्शन साथ में हुआ। 57 में साथ में हुआ। 62 वॉज अ टाइम जब वी हैड अ बिट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या हुआ था? वी हैड चाइनीज वॉर, देन वी हैड द डेथ ऑफ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम, जवाहरलाल नेहरू। देन केम लाल बहादुर शास्त्री, जिनका अनटाइमली डेथ हुआ। करते करते देर वॉज अ बिग ब्रेक चेंज। सो जो लास्ट इलेक्शन साथ में हुआ वो था 67 का। 71 वॉज द टाइम वेन इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। शी डिसाइडेड टू होल्ड द इलेक्शंस 15 मिनट्स अर्लियर एज कम्पेयर टू द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट और द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट कैन गो टू द प्रेसिडेंट एंड आस्क फॉर अर्ली इलेक्शंस। दैट वॉज वॉट मिसेस गांधी डिड। नाउ वॉट हैपन्ड एट दैट टाइम, दैट इज द ब्रेक ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स थे जिनके चुनाव मिड टर्म्स में हुए थे और उनका टेन्योर खत्म नहीं हुआ था। सो कौन से वो स्टेट्स थे अगर बात करें, वी सॉ दैट यू हैड स्टेट्स सच एज हरियाणा, जिनका 1968 में चुनाव हुआ, बिहार 1969 में, केरला 1970, पंजाब 1969, यूपी में 1969 और बंगाल में 1969। 1971 के जो चुनाव रहे उसमें सिर्फ तीन स्टेट ही, ओडिशा, तमिलनाडु और बंगाल, जो जिनके असेंबली पोल्स गवर्नमेंट के साथ हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुए। अगर हम बात करें फ्यूचर में क्या होने लग गया, दिस डिस्ट्रप्शन केप्ट ऑन हैपनिंग और जितने भी आपके चुनाव थे, वॉट एवर इलेक्शन दैट वर हैपनिंग, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन वर नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियसली, बिकॉज देर वर टू न्यू थिंग्स दैट केम इन टू एग्जिस्टेंस। एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया, सेकेंड सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स जजमेंट सेड द जो गवर्नर है वो स्टेट्स को सस्पेंड नहीं कर सकता टिल द टाइम, और ये जो जजमेंट रही और इट केम अंडर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज अंडर आवर ज्यूरिस्डिक्शन, तो आप ऐसे किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते, एनिमेशन में रख सकते हो। करते करते अब जितनी भी स्टेट्स हैं उनके टेन्योर आप जनरली देखेंगे 5 ईयर्स रहते हैं, विच कुड नॉट बी चेंज। अगर हम फर्दर बात करें, 1983 में सुझाव आया इलेक्शन कमीशन से, देर वॉज अ प्रोविजन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन जहाँ पे दे डिस्कस्ड अबाउट हैविंग इलेक्शन साइमल्टेनियसली और वापस उसी जगह पे जाना कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो। अगर हम बात करें फॉर्मर 170th जो आपकी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई अंडर जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, जिन्होंने वापस अगेन बोला 1999 में 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, वी मस्ट गो बैक टू द सिचुएशन वेयर द इलेक्शंस टू लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर हेल्ड टुगेदर। जितने भी आपके सांसद और विधायक के चुनाव हैं वो साथ में होने चाहिए, ये रिपोर्ट में आया। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। 14th मार्च को रामनाथ कोविंद, हु इज द हेडिंग एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, हेडेड गेव इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जिसमें बेसिकली दो बिल्स की बात की थी। देर वर टोटल ऑफ 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या 15 अनुच्छेदों की बात की गई
जो दो हिस्सों में होंगे, विच विल बी इन टू पोर्शंस. द फर्स्ट पोर्शन डील्स विद हैविंग योर साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर एमपीज एंड एमएलएस, विधायक और सांसद के चुनाव साथ में करने के लिए. What was this recommendation all about? That this can easily be passed by the parliament, or parliament ke through ye procedure pass ho sakta hai. But what is the problem with the passing of this bill through the parliament? Let's also understand it. Agar hum baat kare in terms of it, isme aapko jo present number hai ya present strength hai abhi Lok Sabha ki, wo around 543 hai. Passage of this bill mein aapko at least kya chahiye? You need 50% plus वोटिंग, 50% प्लस ज़्यादा वोट्स होनी चाहिए एंड 2/3 मेजोरिटी से आपको पास करना है. तो अगर हम प्रेजेंट डे मेजोरिटी की बात करें, लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543, जहाँ पे एनडीए का जो गठबंधन है एनडीए अलायंस, इट हैज़ अ टोटल सीट्स ऑफ 293, वेर एज जो इंडिया अलायंस है उनके पास 240 हैं. अदर्स जो निर्दलीय हैं या फिर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव अ टोटल ऑफ 10 सीट्स. 2/3 majority ke liye you require 362, so where NDA has to now go and talk to other parties to get them together, unko saath mein bitha ke baat karne ke liye, so that they can get this bill passed. Agar hum dusre number baat kare, it has to be passed both in Lok Sabha and Rajya Sabha. Rajya Sabha mein same procedure, 2/3 majority chahiye. Abhi present day strength of Rajya Sabha 234 hai, jahan pe 2/3 majority 164 hai aur NDA ki seats around 121 hai. So again, the government has to talk to the like-minded parties और उनको convince करना पड़ेगा कि हमें one nation, one election चाहिए. जो दूसरा bill है, that deals with local elections. अब हम बात करें अगर local elections की, जो municipal corporation या फिर जो आपके पंचायत के election हैं, वो state list में आते हैं. इसको pass करने के लिए या इस प्रस्ताव को pass करने के लिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गेट इट रैटिफाइड. रैटिफाइड का मतलब है आपको आदेश से ज़्यादा स्टेट, 50% प्लस वन स्टेट से ये रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा कि वो अग्री करते हैं. दीज आर द टू मेजर बिल्स दैट आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड और हैव बीन टॉक्ड अबाउट इन द कमेटी हेडेड बाय रामनाथ. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव. और आपके क्या व्यूज हैं, वेदर द वन नेशन वन इलेक्शन शुड हैपन और नॉट? Please comment below and subscribe to the channel to look into any such more videos. Thank you. This is Hartaj signing off.